दिनेश जी मैं भूल जाऊंगी, दिनेश जी मैं भूल जाऊंगी, और बोलते आपको सब याद है, आप अच्छे से करो। तो मेरा वो ही रहता स्टेज पे जाने से पहले, आने से पहले वैनिटी में एक बार ये फिर रिहर्सल कर रही थी। 1, 2, 3। आम्रपाली जी जो भी फिल्म करती हैं उसमें इनकी सबसे पहले प्राथमिकता जो होती है वो ऑडियंस होती है, ना वो डायरेक्टर होता है, ना वो हीरो होता है, और ना ही वो प्रोड्यूसर होता है। दिनेश जी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो एक ओपन बुक है। आपको मिलवा रहे हैं भोजपुरी के दो उन महारथियों से जो बहुत खूबसूरत हैं जब भी साथ होते हैं और अच्छे ही लगते हैं। आप देख रहे हैं आम्रपाली जो है निरहुआ के कान में कुछ कह रही है और आपको बताना पड़ेगा आपने क्या कहा। मैंने यही कहा कि लगता है कि आज हम दिन भर इंटरव्यू करते रहेंगे और परफॉर्मेंस देखने मिलेगा नहीं, यही कहा है मैंने। ठीक है, तो ये बताएं कि जब इस तरह के अवार्ड फंक्शन होते हैं आप खुद को कितना गर्वित फील करते हैं निरहुआ जी? मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले जब भोजपुरी फिल्में बनती थी तो अवार्ड नहीं होते थे, तो ऐसा लगता था कि इसकी ज़रूरत है कलाकारों को, टेक्नीशियन को। उनको जब प्रोत्साहन मिलता है, जब उनको शाबाशी मिलती है, तो उनको लगता है कि यार हम इस बार और अच्छा करेंगे। ये होता नहीं था, पर 2005 में हमारे विनोद गुप्ता जी ने इसकी शुरुआत की भोजपुरी फिल्म अवार्ड की, और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ विनोद गुप्ता जी को जिन्होंने ये शुरुआत किया। और ये 14वां साल है, इसके लिए भी बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं कि इतने लंबे समय तक उन्होंने इसको चलाया है, निस्वार्थ भाव से चलाया है। तो बहुत 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 हम लोग जो है उनको शुभकामना देंगे। बिल्कुल, प्रतीक एक बार का कैमरा आप इस जोड़ी पर पैन करेंगे। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपके फैंस और दर्शकों को कि किस तरह से आप खूबसूरत बनके इस तरह से अवार्ड फंक्शन में आते हैं। आम्रपाली जी, कितना प्रेशर होता है जब किसी अवार्ड फंक्शन में जाना होता है क्योंकि सबसे सुंदर दिखना है? आई थिंक मुझ पर कभी उस चीज़ का प्रेशर नहीं होता क्योंकि आई हैव ऑलवेज हैड इतनी लवली फैमिली, इतने लवली फ्रेंड्स, इतने लवली फैंस कि मैं कुछ भी पहन लूँ तो भी वो लोग मुझे हमेशा एनकरेज ही करते हैं। तो मुझे कभी उस चीज़ का प्रेशर नहीं होता है। बस इस चीज़ का प्रेशर रहता है कि मैं समय पर पहुँच जाऊँ क्योंकि मैं ज़्यादातर लेट हो जाती हूँ ऐसे किसी इवेंट में हमारे ट्रैफिक की वजह से। तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि जल्दी पहुँचूँ, जो मिले पहनूँ, फटाफट पहुँचूँ। पहनने का प्रेशर नहीं होता, पहुंचने का प्रेशर होता है। सर ये बताएं कि कैसा अवार्ड है इस बार जो आपको नॉमिनेट हुआ है, किस फिल्म की है? मुझे बॉर्डर के लिए नॉमिनेट किया गया है और निरहुआ हिंदुस्तानी 3 के लिए, और दोनों ही मेरी ऐसी फिल्में हैं जो मैंने बहुत दिल से बनाई थी, बहुत मेहनत से बनाई थी, और दोनों ही फिल्मों को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के हर उस भाग में जहाँ भोजपुरी समझने वाले लोग रहते हैं, सबने बड़े उत्साह से देखा और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, और उन लोगों ने मुझे जितना अवार्ड देना था दे दिया। तो दिल गदगद हो गया कि चलो ठीक है, एक ऐसी फिल्म बना करके लोगों को अगर अच्छा लगा है तो ये अवार्ड मिल गया। अब जब यहाँ नॉमिनेशन हुआ है तो यहाँ भी बड़ी उम्मीद है, यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों फिल्मों में किसी न किसी फिल्म को अवार्ड जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और जहाँ तक हमारी खबर है आम्रपाली जी, आपका भी यहाँ पे परफॉर्मेंस है इनके साथ में ही, तो कैसी फीलिंग होती है जब इस तरह की चीज़ होती है? मुझे हमेशा ना स्टेज का बहुत फियर होता है, स्टेज पे जाने से पहले मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ते रहते हैं, और हमेशा एक ही कंप्लेन मैं को, दिनेश जी मैं भूल जाऊंगी, दिनेश जी मैं भूल जाऊंगी, और बोलते हैं आपको सब याद है, आप अच्छे से करो। तो मेरा वही रहता स्टेज पे जाने से पहले, भगवान से पहले, आने से पहले वैनिटी में एक बार ये फिर रिहर्सल कर रही थी। 1, 2, 3, 4। अच्छा, जाते-जाते एक सवाल आप दोनों से, एक आखिरी सवाल जाते-जाते दोनों से, अगर निरहुआ जी के बारे में आपको दो ऐसी चीज बतानी हो जो इनके फैंस को नहीं पता तो आप क्या बताएंगे? आई थिंक दिनेश जी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो एक ओपन बुक है और उनके बारे में इन एंड आउट उनकी ऑडियंस सब कुछ जानती है। मैं तो मतलब जितना ऑडियंस जानती है मैं भी उतना ही जानती हूँ। इसके अलावा कोई छुपी हुई बातें तो मुझे भी नहीं पता है, किसी को पता चले तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे भी पता चल पाए। ये सवाल आपके लिए भी होगा कि आम्रपाली के फैंस के लिए कुछ एक ऐसा बताएं जो इनके बारे में लोग नहीं जानते। मुझे लगता है कि आम्रपाली जी के बारे में लोगों को शायद एक बात पता नहीं होगी कि आम्रपाली जी जो भी फिल्म करती हैं उसमें इनकी सबसे पहले प्राथमिकता जो होती है वो ऑडियंस होती है, ना वो डायरेक्टर होता है, ना वो हीरो होता है, और ना ही वो प्रोड्यूसर होता है। क्योंकि हम लोग बहुत बार कई स्क्रिप्ट को बोलते हैं कि अच्छी तो है कर लीजिए, तो इनका यही रहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं ये फिल्म करूँगी और इस फिल्म में उतना सब कुछ मेरे लिए नहीं है जो मेरी ऑडियंस मुझसे चाहती है, तो मैं ये नहीं करूँगा, ये सीधा मना कर देती है। तो मुझे लगता है ये बात शायद ऑडियंस को पता नहीं होगी,
तो पता लगेगी तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो भी फिल्में करती हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए करती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए, और आप हमेशा खुश रहें और अवार्ड भी मिले। आप बने रहें हिंदी रश के साथ।